तो आज के इसी वीडियो में जानेंगे कि अपने मोबाइल में जी पर मोबाइल नंबर को कैसे सेव कर सकते हैं दोस्तों कई बार तो अपने मोबाइल में किसी भी मोबाइल नंबर को सेव करते हैं तो अपने मोबाइल को जब भी रीसेट करते हैं या फॉर्मेट करते हैं तो अपने मोबाइल में जो भी कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं वो सेव होते हैं वो सारे डिलीट हो जाते हैं तो दोस्तों आपको मालूम नहीं होगा तो दोस्तों आपको पता नहीं कि जी पर मोबाइल नंबर को कैसे ऐड कर सकते हैं तो जानेंगे पूरी वीडियो डिटेल के साथ में तो दोस्तों आप इसी वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देख लेना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा तो दोस्तों आपको भी समझ में आ जाएगा और आप अपने मोबाइल में सारे कॉन्टेक्ट नंबर को जी पर सेव कर लोगे तो आप अपने मोबाइल को फॉर्मेट भी कर लोगे या रीसेट भी कर लोगे तो भी आपके कॉन्टेक्ट नंबर होंगे वो डिलीट नहीं होंगे तो गैस मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बोले कैन घंटी दिखाई दे रही उसको भी ऑल पर प्रेस कर देना तो उसके बाद अपने मोबाइल में सबसे पहले आपका यहाँ आप पर, पर आपको पर क्लिक कर लेना यानी अपने मोबाइल में आपका यहाँ पर कॉल लगाते होंगे उस बटन पर क्लिक करके आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा तो गैस आपका यहाँ पर दिखाई दिखा दे रहा मेरे मोबाइल में आपका बहुत सारे मोबाइल नंबर को अपने क्लिक कर लेना जैसे उस पर, जैसे इस पर कर लोगे तो गैस आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा मैंने ऑलरेडी आपका यहाँ पर सेव कर रहा हूँ तो मेरी मेल आई आ चुके हैं या फिर जी मेल अकाउंट आ चुका है उस पर क्लिक करके आपका यहाँ पर फोन पर क्लिक करके रखा होगा यानी अपने मोबाइल में इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा तो गैस आपको इस पर क्लिक करके आप अपने बोले जिस भी जी पर सेव करना चाहते हैं उस जी को सेलेक्ट कर लेना जैसे मैं इस जी मेल पर सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करके आपके वहाँ नाम को दर्ज कर लेना जैसे मैं अपनी इच्छा अनुसार कोई भी नाम को दर्ज कर लेता हूँ उसके बाद गैस आपके वहाँ पर सेव का बटन दिखाई दे रहा जैसे उस पर क्लिक कर लोगे तो गैस ये जीमेल होगा जीमेल पर ये मोबाइल नंबर होगा वो सेव हो जाएगा तो दो दोस्तों आप भी अपने मोबाइल में जी मेल पर कॉन्टेक्ट नंबर को सेव करना चाहते हैं तो इस प्रकार कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना और दोस्तों आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर देना वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद